नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। जिस तरीके से आरजेडी में कलह चल रहा है, रघुवंश बाबू को लेकर के, तेज प्रताप को लेकर के, तेजस्वी को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही है। पार्टी में बहुत सारे नए संगठन बन रहे हैं, मीटिंग बुलाई जा रही है, अलग अलग बातें हो रही हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो है आज जो अच्छी हुई है वो हुई है कि भाजपा ने इस पर बोलना शुरू कर दिया है। भाजपा के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा है कि रघुवंश बाबू का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है वो कतई ही अच्छा नहीं है, और जिस तरीके से पार्टी उनको दरकिनार कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी का विलय होता है या पार्टी जिस बेटे के हाथ में जाती है वो तो बेटा मजबूत होगा ही, लेकिन दूसरा कमज़ोर भी हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि नितिन नवीन ने आरजेडी को लेकर के, तेजस्वी को लेकर के, तेज प्रताप को लेकर के, रघुवंश बाबू को लेकर के क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए। देखिए, किसी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप अगर रघुवंश बाबू का अपमान करते थे या जगता बाबू का तो उस दिन भी हम लोग इस पर दुख व्यक्त करते थे। आज भाई ने एक भाई को किनारे करने का काम किया है तो इस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं, गलत है। लेकिन चूंकि उस पार्टी से या उस परिवार से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं है, वो खुद में आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एक भाई कमजोर होगा उसकी स्थिति तो दयनीय होगी। वहीं नितिन नवीन ने झारखंड को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में सिर्फ मस्जिद ही क्यों बनेगा, अगर बनाना ही है तो गुरुद्वारा भी बनाइए, मंदिर भी बनाइए या चर्च भी बनाइए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर करना ही है तो विधानसभा के लोगों का पालन करें, विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें और सही तरीके से विधानसभा चलाने की कोशिश करें। बिहार में और देश में स्पष्ट रूप से जो विधानसभा है वहाँ पर संविधान का पूजा होना चाहिए, लोकतंत्र का वो मंदिर है, वहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर आते हैं और राज्य और देश के विकास की बात करते हैं। वहाँ धर्म के आधार पर अगर विभाजन होगा, कमरों का आवंटन होगा, तो निश्चित रूप से गलत संदेश जाएगा। झारखंड में भी हमारे जो भी विधायक लोग हैं सब लोगों ने इसी पर प्रतिकार किया कि ये परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, और एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, जाति विशेष को खुश करने के लिए संविधान और लोकतंत्र के जो महत्ता का जगह है उसका अपमान नहीं। लेकिन आपके एक नेता ने तो मांग की थी, कहा कि अब हिंदुओं के लिए और जो अधिक संख्या वाले गलत परंपरा का शुरुआत की है तो सब के लिए बात करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर चर्च भी होना चाहिए, तो वहाँ पर गुरुद्वारा भी होना चाहिए। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ पर हैं, हेमंत जी ने जिस गलत परंपरा की शुरुआत की है वोट बैंक की राजनीति का, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कटाक्ष। बाकी खबरों के लिए देखते रहे ट्रेंडिंग बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।